नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के एक्सटेंशन की एक महीन अपडेट को लेकर के। वैसे तो महीन अपडेट बोल रहा हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा अपडेट है कि सुनीता दुग्गल जी की तरफ से जो है अब इस ट्रेन के लिए मांग यहाँ पे शुरू कर दी गई है। यानी कि राजनीतिक दबाव जो है अब यहाँ पे बनना शुरू हो गया है। राजस्थान इलेक्शन से पहले इस ट्रेन का विस्तार जो है वो हो जाना तय बताया गया है। तो अब देखने वाली बात ये है यहाँ पर कि आखिर कब तक इस ट्रेन का एक्सटेंशन होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नेगेटिव पॉइंट बता देता हूँ जिसके बारे में अभी पता चला है। और ये ट्रेन जैसे कि WCR यानी कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंडर में ट्रेन आती है। और उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूँ कि श्रीधाम एक्सप्रेस की जगह अगर महाकौशल एक्सप्रेस का विस्तार करवाया जाता तो अब तक ये ट्रेन जो है वो आप सभी लोगों को मिल चुकी होती और इसका सफ़र जो है वो शुरू भी हो चुका होता। लेकिन श्रीधाम एक्सप्रेस जो है वो जबलपुर मंडल की एक सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट ट्रेन है जिसका एक्सटेंशन ना तो जबलपुर मंडल चाहता है कि उसका आगे जबलपुर से एक्सटेंशन हो और ना ही निज़ामुद्दीन से आगे कहीं उसका एक्सटेंशन हो। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे राजनीतिक प्रेशर बनेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना प्रेशर बनाएंगी तो ज़रूर से इस ट्रेन का एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। अदरवाइज इस ट्रेन का एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे मुश्किल है। इसके अलावा आप सभी लोगों को किसी और ट्रेन का संचालन देखना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री का अगर सीन देखा जाए तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर जबलपुर मंडल के अंडर की जितनी भी ट्रेनें हैं, जबलपुर अपने अपोजिट एंड में यानी कि जो ट्रेन जबलपुर से चल रही है और जबलपुर से आगे जाकर के अपनी यात्रा को जहां ख़त्म कर रही है उससे आगे एक्सटेंशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल करता है। अगर जबलपुर अपनी ओर से एक्सटेंशन करता है तो वो जबलपुर से आगे की ओर एक्सटेंशन करता है जब जबलपुर को उस ट्रेन की आवश्यकता ना हो या फिर किसी नई ट्रेन के संचालन को लेकर के दिक्कत आ रही हो, तो जाकर के इस दिक्कत को क्लियर करने के लिए ट्रेनें जो हैं जबलपुर से एक्सटेंड होती हैं। अपोजिट साइड से जो है वो ट्रेनों का एक्सटेंशन यहाँ पे मुश्किल है। महाकौशल एक्सप्रेस का मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके लिए भी आप सभी लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि उसका जो लाईओवर है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा लाईओवर है। ऐसे में ट्रेन जो है वो सुबह आने के बाद में अगले दिन शाम को जाती है, तो ट्रेन जो है वो सीरियसली निज़ामुद्दीन से लेकर के अगर आप उसको दिल्ली बीकानेर होकर दिल्ली से अलवर जयपुर बीकानेर होकर के भी लेकर के जाएंगे तो भी उसका लाईओवर जो है वो बीकानेर में भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेन श्रीगंगानगर से लेकर के अगर आप इसको वैसे भी रोहतक होकर के लेकर के जाते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात तो वैसे है ही नहीं। बस मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा था कि अगर इसको आप अलवर जयपुर बीकानेर होकर के भी लेकर के जाएंगे महाकौशल एक्सप्रेस को तो उसका लाईओवर गंगानगर में वैसे भी काफ़ी बचने वाला है। अदरवाइज आप इस ट्रेन को अगर आप इसकी मांग कर रहे हैं तो सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर के ही चलते इस ट्रेन का एक्सटेंशन यहाँ पर हो सकता है। वैसे सुनीता दुग्गल जी की तरफ से अब जब प्रयास शुरू कर दिए गए हैं तो अब हो सकता है कि बहुत जल्दी ये ट्रेन जो है वो सेक्शन को मिल जाए। उम्मीद करूंगा ये ट्रेन जो है वो जल्द से जल्द हमारे सेक्शन को मिले और ट्रेनों का जो फ़ायदा है वो हमारे आम जनता को देखने के लिए मिले। फिलहाल अभी उम्मीद करूंगा आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। मिलेंगे भी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।